मार्शल आर्ट्स ख़वातीन के लिए इसलिए ज़रूरी है कि ख़वातीन के अंदर सेल्फ डिफेंस पैदा होता है। जैसा कि आजकल के हालात हैं कि ख़वातीन को मर्द हज़रात के शाना बशाना चलना होता है सोसाइटी में। बेसिकली अगर कोई इस तरीके से हैरेसमेंट करने की कोशिश करता है तो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, उसके वीक पॉइंट्स भी मारेंगे, जैसे कि ये है, इधर इधर मारेंगे आप जोर से तो आपको कफ महसूस होगी, दम रुकेगा आपका, एक ये इधर, ये सोलो जो आपकी ये है स्केलेटन है, यहाँ पे आप मारेंगे सोलो तो इससे आपका सांस रुकेगी, एक आपकी ये जगह, यहाँ पे आप अगर पंच मारते हैं, हिट करते हैं तो तब भी आपकी सांस रुकती है, एक ये शिन पे हिट कर दे तो आप उसको अगर इस तरीके से डिसेबल करेंगे तो आपके पीछे नहीं आ सकेंगे। तो किचन में काम करना आसान है और ना मार्शल आर्ट सीखना आसान है, असल बात होती है सेल्फ डिसिप्लिन की, कि आप तो आपके अंदर कितना सेल्फ डिसिप्लिन है। मार्शल आर्ट्स खवातीन के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना मर्द हज़रात के लिए। बेसिकली हमारे पास ये सब चीज़ें ट्रेजर वगैरह नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, तो जैसे कि हमारे पास अवेलेबल होती हैं सेफ्टी पिन, स्कार्फ पिन, या फिर हमारे पास अल्लाह ने हथियार दिए हमारे हाथ, फिंगर्स, हमारा पंच, हम इसको इस्तेमाल करके हम अपना डिफेंस कर सकते हैं। कोई ब्रिक या कोई वुड हम ब्रेक करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई वेपन या कोई चीज़ नहीं होती है, वो हमारा फोकस होता है, हमारी एनर्जी होती है कि हम अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके उस पूरे फोकस के साथ एक अपने टारगेट पे कंसंट्रेट करते हैं तो उससे ब्रेक आउट होता है। यहाँ कराची में तकरीबन अबव 50 यहाँ टैक्वांडो सेंटर्स हैं, लेकिन एक अच्छे कोच का, एक अच्छे आपके मास्टर का होना ज़रूरी है। मर्द ट्रेनर्स के साथ यहाँ पर कोई बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आती हैं, जब आप एक दफ़ा अपनी एक्सरसाइज या अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो बस आपको धुन होती है कि आपको ट्रेनिंग करनी है। आपके सामने कोई खातून ट्रेनर हो या फिर आपके सामने कोई मर्द ट्रेनर हो, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली हैरेसमेंट उनके साथ ही हो सकती है, जैसे बच्चियाँ अकेले स्कूल जा रही हैं या कॉलेज जा रही हैं या किसी अपने जॉब पर जा रही हैं, उनके साथ समझते हैं कि इनको सेल्फ डिफेंस नहीं आता या अपनी डिफेंस के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो हैरेसमेंट उनके साथ ही करने की कोशिश करते हैं। हमारी सोसाइटी में बायसनेस ज़रूर मौजूद है, लेकिन वक्त के साथ साथ अवेयरनेस भी आ रही है। जैसा कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी फिटनेस के लिए अपने बच्चों के साथ में यहाँ आती हूँ, ताकि मेरे अंदर एक अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो, एक डिसिप्लिन लाइफ हो और मेरी फिटनेस हो, मेरे बच्चों की फिटनेस हो।